हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो, आज का टॉपिक जो है वो हमने लिया है फिजिक्स। क्या टॉपिक देखने हैं, सबसे पहले इसमें हम सिलेबस देखेंगे और इस फिजिक्स को हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई, ओके, एनटीपीसी रिलेटेड, क्योंकि नॉन टेक इसमें साइंस में आ रहा है। उसके बाद बीपीएससी में आ जाएंगे, एसएससी सीजीएल में आएंगे, तो ये सब एग्जाम को हम मेनली टारगेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कि एएलपी होता है, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी कुछ आज देखने को मिलता है, तो न्यूमेरिकल को हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इस तरीके से हम लेते जाएंगे जो आपको एसएससी जेई सीजीएल एनटीपीसी है ना आरआरबी के एग्जाम में देखने को मिलता है, बीपीएससी के अंदर भी देखने को मिलेगा। यानी हम आज बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्पेशली सिलेबस की, है ना। सिलेबस की मैं यहाँ पे बात करूँगा, ध्यान रहे। ये जो है आपका जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा था, ज्योग्राफी का क्लास में साउंड के कुछ इशू के कारण ज्योग्राफी का क्लास एक दो दिन अभी क्लोज रहेगा, उसके बाद फिर ज्योग्राफी का क्लास कंटिन्यू रहेगा। साइंस का क्लास भी आपको मोस्टली कंटिन्यू रहेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सिलेबस में हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, ये मेरा पहला ही टॉपिक होगा। दूसरी टॉपिक की बात करूँ तो मैं लूँगा यहाँ पे मैकेनिक्स को, क्लियर, मैकेनिक्स। दूसरा जिसका हिंदी अगर बोले तो यांत्रिकी होगा, यांत्रिकी, ओके। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यहां पे थर्ड वन टॉपिक की, तो मैं यहां पे लूंगा थर्ड टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर, ओके, ताप एवं तापमान, ये रहेगा हमारा सिलेबस का पार्ट। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे होगा हमारा साउंड एंड वेव, ये टॉपिक को देखना है, मतलब ध्वनि एवं तरंग, ध्वनि एवं तरंग, इसकी बात मैं करूंगा। नेक्स्ट आगे आएंगे तो मैं यहाँ पे देखूंगा लाइट यानी ऑप्टिक्स को देखूंगा यानी प्रकाश, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है आपके एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे लाइट के बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट नेम, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट नेम होते हैं जिसको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स भी देखूंगा मैं यहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूं तो थोड़ा सा देख लेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में, कई एग्जाम में आते हैं, बहुत एग्जाम में नहीं भी आते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की बात करूंगा मैं यहाँ पे, फिजिक्स, ओके, यानी अर्ध चालक भौतिकी, अर्ध चालक भौतिकी के बारे में भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ओके। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो देखो तो 9 है, लेकिन आपको फोकस जो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दें, वो यूनिट एंड मेजरमेंट है ना, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन, मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से तो बनेगा ही बनेगा, साउंड एंड वेव से आपको बन जाता है, लाइट से बन जाता है ना। तो ये और इम्पोर्टेंट ये पढ़ लोगे यहाँ तक मैं बोलूँ ना तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अप टू दिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बात रही मॉडर्न फिजिक्स से, कभी कभी रेयरली देखने को मिल जाता है, सेमीकंडक्टर से रेयरली देखने को मिलता है, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट नेम तो ये तो मतलब अगर 40-50 अगर याद रखते हो तो आपके लिए सफिशियंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, अगर यहाँ तक भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि हर एग्जाम के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे यहाँ पे, एमसीक्यू भी कराएंगे, और ये टॉपिक को हम थ्योरेटिकली भी यहाँ पे डील करेंगे, चूंकि ये सिलेबस का पार्ट है। अब जैसे कि पढ़ने का जो तरीका होगा, ध्यान रखें,
पढ़ने का वे कैसा होगा, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि बुक इसका प्रिंट हुआ नहीं है तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम पे भी देता रहूँगा, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे वहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। लेकिन इन सब को अगर रेगुलर करना है तो पीडीएफ आप यहाँ पे ऐप पे ले लेना। पीडीएफ जो है वहाँ पे ऐप के अंदर फुल विथ 800 एमसीक्यू वाला होगा, एक होगा 400 वो हाफ फिजिक्स का है, लेकिन कंप्लीट हमने अभी जस्ट किया है, विथ टैप्ड है पूरा और एमसीक्यू भी है, तो वो ले लेना ताकि चीज़ों को आप लगातार कर सकते हो। देखना अल्टरनेट हो सकता है कि ये उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फिर मैकेनिक्स ऐसा चेंज कर सकता हूँ सीक्वेंस, लेकिन हमारा टोटल जो यूनिट होगा वो यही यूनिट होगा जिसको हम कवर करने वाले हैं। ये स्पेशली हमारा अगर मैं बात करूँ एसएससी जेई यानी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए या एम्स के लिए, एनटीपीसी इसके लिए आपको, या फिर बीपीएससी, आप देखोगे क्वेश्चन पेपर सब क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इन एग्ज़ाम को हम टारगेट करेंगे। ध्यान रहे जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट से है, इस लेवल तक हम यूनिट एंड मेजरमेंट को कर लेंगे ताकि इसको आप आसानी से और बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि आपसे क्या बोलता है, क्यू से किस चीज़ का इकाई होता है, ठीक है ना। आपसे बोलता है कि स्ट्रीम समुद्र में एक नाव से दूसरे नाव की दूरी को किस चीज़ में मेजर किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम वहाँ पे देखेंगे। सिमिलरली हम मैकेनिक्स में कई लॉ देखेंगे, हीट एंड टेम्परेचर में ऑब्वियसली यहाँ पे मैथमेटिकल क्वेश्चन के बारे देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर को सेल्सियस में बदले, सेल्सियस को डिग्री के सेंटीग्रेड में बदले, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। साउंड एंड वेव से क्वेश्चन आपको देखेगा, वेव एक तरीके का साउंड होता है, वेव ही एक तरीके से लाइट होता है। तो अगर वेव के बारे में हम नेचर जान रखते हो, ट्रांसवर्स जो होता है ना, तो वेव का जब नेचर आप देखोगे तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होगा और वहीं पे लाइट प्रोड्यूस होगा, यानी वेव का ही नेचर है साउंड और लाइट, तो वहां भी हम इस चीज को देख लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का नाम जैसे कि फेदोमीटर क्या है ना, स्टेथोस्कोप क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानेंगे। मॉडर्न फिजिक्स ऑब्वियसली कैडमियम के छड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है ना, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में यहाँ पे इस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, कभी कभी पी टैप एन टैप सेमीकंडक्टर, हालांकि वो साइंस का पार्ट जो होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी पढ़े जाते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि बेसिक सेमीकंडक्टर हर बच्चा थोड़ा पढ़ा रहता है और बेसिक से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके सिलेबस में कोई डाउट होगा। और सिलेबस अपन इतना ही करेंगे, इतना सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ध्यान रहे यहाँ पे थ्योरेटिकली एज वेल एज बेसिक न्यूमेरिकल या बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप के जो न्यूमेरिकल होंगे वही लूंगा, जो हायर लेवल जैसे कि एएलपी के अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है तो उसको यहाँ पे कंसिडर मैं एएलपी के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को आपको दिमाग में रहे, एएलपी के लिए न्यूमेरिकल लास्ट में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही नहीं गया मैं, डायरेक्ट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही आते हैं, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आराम से आपको कवर करा दूंगा, तो आई होप यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे हम लगातार, आज एक इंट्रोडक्शन यानी सिलेबस के रिगार्डिंग था, आगे इसके बारे में लगातार एक एक टॉपिक सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट को उठाएंगे और फिर कंटिन्यूटी में इसको करते रह जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। कल से आपका क्लास रेगुलर रहेगा और साथ के साथ ज्योग्राफी की क्लास भी आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।